गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू TSN क्लास 6 चैप्टर 8 बॉडी मूवमेंट सेशन 2। सो हमने बॉल एंड सॉकेट्स के ऊपर का सारा जो सेशन है वो कवर कर लिया था। नाउ विल स्टार्ट विद दिस टॉपिक, दैट इज एक्टिविटी 2, पेज नंबर 68। रोल अ स्ट्रैप ऑफ पेपर इनटू अ सिलेंडर, मेक अ स्मॉल होल in an old rubber or plastic ball and push the paper cylinder into it as shown in figure 8.2। अब आपको क्या करना है, एक पेपर की स्ट्रिप लेनी है। यू हैव टू टेक अ स्ट्रिप ऑफ पेपर, रोल इट इनटू अ सिलेंडर। इफ़ यू कैन सी, आई एम रोलिंग इट इनटू अ सिलेंडर। कैन यू सी, आई एम रोलिंग इट इनटू अ सिलेंडर। उसके बाद आपको एक बॉल लेनी है, पुरानी रबर बॉल या प्लास्टिक बॉल, उसमें आपको एक होल करना है। होल करके आपको क्या करना है, उस बॉल को यहाँ पे फिट करना है, जैसे कि टॉर्च का होता है अ सर्कल और फिर उसके ऊपर एक गोल बॉल। कैन यू यू कैन ऑल्सो स्टिक द सिलेंडर ऑन द बॉल। आप एक काम और कर सकते हैं, जो सिलेंडर है उसके ऊपर एक बॉल स्टिक कर सकते हैं, चिपका सकते हैं। पुट द बॉल इन अ स्मॉल बाउल, जो बॉल है उसको एक बाउल में रखें, जैसे कि ये हमारा सिलेंडर हो गया, कैन सी, देन अ बॉल, और उसके ऊपर आपको एक छोटा सा बाउल रखना है, कटोरी रखनी है। जैसे कि आप फिगर 8.2 पे देख पा रहे हैं, उसमें एक येलो कलर का बाउल है और फिर एक बॉल है दैट इज़ ऑफ ब्लू कलर, एंड उसके बाद एक सिलेंडर है, पेपर सिलेंडर, वो येलो कलर का है। डज द बॉल रोटेट फ्रीली इनसाइड द बाउल, जो कटोरी है उसके अंदर क्या वो बॉल आराम से रोटेट कर पाएगी? डज द पेपर सिलेंडर ऑल्सो रोटेट, क्या आपको लगता है पेपर सिलेंडर भी रोटेट करेगा? नाउ इमेजिन दैट द पेपर सिलेंडर इन योर इज़ योर आर्म एंड द बॉल इज़ इट्स एंड। अब आप ये इमेजिन करें, ये आपका हाथ है, जो सिलेंडर था वो आपका हाथ है और जो बॉल है वो उसका एंड है। द बॉल इज़ लाइक द पार्ट ऑफ द शोल्डर इन विच योर आर्म्स इज जॉइंटेड। जो कटोरी है, जो बॉल है, वो क्या है एक्चुअली में, आपका ये शोल्डर का ये वाला पार्ट है। ये जो पार्ट है, ये कटोरी है, यहाँ पे ये बॉल फिट हो रखी है और ये हमारा सिलेंडर है। द राउंडेड एंड ऑफ वन बोन फिट्स इन टू द कैविटी। क्या होता है कि जो बॉल है, जो हमारी बॉल है एक्चुअली में, वो उस बॉल के अंदर फिट हो चुकी है। जैसे हुक आपने देखा होगा, एक चाबी होती है और एक ताला होता है, तो ताले के अंदर जो उसका पूरा वो एक उसका स्पेसिफिक जो जगह है उसमें चाबी एकदम से जाके फिट हो जाती है, वैसे ही हमारा जो शोल्डर का सॉकेट है और ये जो हमारी बोन है, ये एक्चुअली में उसमें जाके इस तरीके से फिट होता है। ये कैविटी है शोल्डर की और ये मेरे वो आ रही है हाथ, हैंड का जो पोर्शन है, एंड है, वो आ रहा है और ये इसके अंदर इस तरीके से फिट हो जाता है। द राउंडेड एंड ऑफ वन बोन फिट्स इन टू द कैविटी ऑफ द अदर बोन, एक बोन, दूसरे एक बोन का जो पार्ट है वो दूसरे बोन के साथ फिट हो जाता है उसकी कैविटी में। सच अ जॉइंट्स अलाउ मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन, इसी टाइप के जॉइंट्स होते हैं जो बोन एंड सॉकेट जॉइंट्स होते हैं, वो एक्चुअली में यही एक ऐसे जॉइंट्स हैं जहाँ पे आप पूरे तरीके का मूवमेंट कर सकते हो। जैसे अगर ये चीज़ है और ये हमने इसको फिट किया तो ये पूरा रोटेट कर पाएगा विदाउट एनी प्रॉब्लम। जैसे हमारा शोल्डर है, हम उसको पूरी तरीके से रोटेट कर पाते हैं क्योंकि ये बोन एंड सॉकेट जॉइंट्स हैं। द बोन इज़ लाइक द पार्ट ऑफ द शोल्डर टू विच द आर्म इज जॉइंट, द राउंडेड एंड ऑफ द बोन फिट्स इन टू द कैविटी ऑफ बोन ऑफ अदर बोन। सच अ जॉइंट्स अलाउ मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन, एज आई सेड, इसी टाइप के जो जॉइंट्स हैं वो ही पूरे टाइप पूरी हर डायरेक्शन में इसका मूवमेंट हो सकता है। कैन यू नेम अनदर सच जॉइंट यू थिंक ऑफ, रिकॉलिंग द बॉडी मूवमेंट्स वी ट्राइड एट द बिगनिंग में, जो मैंने आपको सेशन बोला था, जो टेबल कम्प्लीट करने बोली थी, आई होप आप सब ने कम्प्लीट कर ली होगी, और उसी के बेसिस पे आप लोग बताएंगे मुझे, आप अपनी कॉपी में ये चीज़ नोट डाउन करेंगे कि ऐसे कौन से जॉइंट्स हैं जो कि बॉडी मूवमेंट में हर डायरेक्शन में आपको मूवमेंट करने में अलाउ कर सकते हैं। अब आप एक और फिगर देख पा रहे हैं, दैट इज़ फिगर 8.3। उसमें है अ बॉल एंड अ सॉकेट जॉइंट। आप ये देख रहे हैं, ये आपका हिप है, हिप बोन, अगर आपने दिख रही हो, मार्क करी हुई, तो एक हिप बोन है
एक बॉल टाइप का सॉकेट आपकी थाई बोन से, एक बॉल टाइप का स्ट्रक्चर आपकी थाई बोन से जुड़ा हुआ है, जो कि बोन का ये हिप बोन है, इस टाइप की आपको दिख रही होगी हिप बोन है, और ये आपका थाई की बोन आ रही है जिसमें ये बॉल लगी हुई है जो कि इसके अंदर इस टाइप से फिट हो रही है। इसी वजह से हम कोई किक करते हैं या हम लोग फुटबॉल खेलते हैं उस टाइम हमारा जो पाँव है, हमारा जो लेग है, वो हर डायरेक्शन में रोटेट हो पाता है। पाइवोटल जॉइंट्स, अब पाइवोटल जॉइंट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। द जॉइंट वेयर आर नेक जॉइंट्स द हेड इज़ अ पाइवोटल जॉइंट। इट अलाउ अस टू बेंड आर हेड फॉरवर्ड, बैकवर्ड, टर्न द हेड ऑन द राइट एंड द लेफ्ट। अब ये पाइवोटल जॉइंट जो है, ये एक्चुअली में हमारा जो नेक है वो हमारे हेड से, मतलब हमारा जो नेक है वो हमारे हेड से जो जुड़ा हुआ है, इसे कहते हैं पाइवोटल जॉइंट। इसमें क्या होता है, जो हमने बॉल एंड सॉकेट पढ़ा था उसमें हम पूरा रोटेट कर पा रहे थे हर डायरेक्शन में, लेकिन पाइवोटल जॉइंट में हम सिर्फ चार डायरेक्शन में कर सकते हैं, दैट इज़ आगे, पीछे, राइट एंड लेफ्ट। तो हम चार डायरेक्शंस पे अपना हेड रोटेट कर सकते हैं, हम नेक पूरा रोटेट नहीं कर पाएंगे, राइट, लेफ्ट, फ्रंट एंड बैक। ट्राई दीज मूवमेंट्स, हाउ आर दीज मूवमेंट्स डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ आर आर्म दैट कैन रोटेट अस कंप्लीट सर्कल। अब आप ये चीज़ देखेंगे कि अभी जिस तरीके से मैंने आपको बताया वैसे ही आप ट्राई करेंगे और आप बताएंगे कि ये आगे, पीछे, राइट एंड लेफ्ट जा पा रहा है कि नहीं जा पा रहा है, और अगर जा पा रहा है तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट और इस वाले पाइवोटल जॉइंट में क्या फ़र्क है। इट्स बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, इन अ पाइवोटल जॉइंट अ सिलेंड्रिकल बोन रोटेट्स इन अ रिंग। अब इसमें जो हमने पढ़ा था उसमें क्या था कि एक जो बॉल एंड सॉकेट उसमें वो होता है, उसमें एक सॉकेट होता है, एक बोन आती है, वो उसके अंदर फिट हो जाती है और हर तरीके से रोटेट कर पाती है। इसमें क्या है कि एक पूरा सिलेंड्रिकल है, उसके ऊपर एक बॉल अटकी हुई है जो कि सिर्फ आगे पीछे लेफ्ट राइट हो पा रही है। अब हम नेक्स्ट जॉइंट पे आते हैं, दैट इज हिंज जॉइंट। ओपन एंड क्लोज अ डोर अ फ्यू टाइम्स, ऑब्जर्व द हिंजेस ऑफ द डोर केयरफुली। जब आप एक गेट है, जैसे ये हमारी दीवार है, ये हमारे दीवार का पोल है, ये हमारा गेट लगा हुआ है, तो हम गेट आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे कर पा रहे हैं। इस टाइप के जो जॉइंट्स होते हैं उसको हिंज जॉइंट कहते हैं। दे अलाउ द डोर टू मूव बैक और फोर्थ। ये सिर्फ दो ही चीज़ें अलाउ करेगा, एक आगे आना, एक पीछे जाना, एक आगे आना, पीछे जाना, ये सिर्फ दो ही मूवमेंट्स अलाउ करेगा। इसके बारे में हम एक एक्टिविटी करेंगे, दैट इज़ एक्टिविटी 3, लेट अस लुक एट द काइंड ऑफ मूवमेंट्स अलाउ बाय अ हिंज। अब हम ये चीज़ देखेंगे कि जो हिंज है वो किस टाइप के मूवमेंट्स अलाउ करता है, उसके लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे। मेक अ सिलेंडर विद द कार्डबोर्ड और थिक चार्ट पेपर एज शोन इन फिगर 8.5 फिगर देखिए प्लीज़, दैट इज़ जो सबसे लास्ट में है इस पैराग्राफ के। डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट अलाउइंग बाय अ हिंज लाइक जॉइंट्स। इसमें आप देखेंगे कि एक सिलेंडर है, हार्ड पेपर से सिलेंडर बना हुआ है, उसमें एक होल किया हुआ है जिसमें दो एक पेंसिल लगी हुई है, वो पूरा रोटेट नहीं कर पाएगी। जैसे अगर मैं आपको करके दिखाऊँ ये चीज़, तो हम एक होल करेंगे, इस टाइप का एक ये पोर्शन बनेगा जिसमें एक सिलेंडर है जो कि टफ है, और आप उसमें एक पेंसिल डालेंगे। इस टाइप का मूवमेंट देख पा रहे हैं, या तो ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा। गेट भी तो इसी टाइप का मूव करता है आगे, ये हमारा गेट है, तो ये आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, सिर्फ इस टाइप का जो मूवमेंट होता है वो ही हिंज जॉइंट कहलाता है। टेक अ स्मॉल पेंसिल, जैसे हमने ली, टेक अ स्मॉल पेंसिल टू द सिलेंडर पियर्सिंग बाय द सिलेंडर एट द सेंटर। अब सेंटर में, जो सिलेंडर का सेंटर है, पियर्सिंग मतलब उसमें एक हम छेद करेंगे पेंसिल से, एज शोन इन फिगर, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, आप फिगर भी देख सकते हैं और इसी टाइप में मैं आपको दिखा रही हूँ। मेक अ हॉलो हाफ सिलेंडर फ्रॉम सिलेंडर सच दैट द रोल अप सिलेंडर कैन फिट इन साइड इट ईजीली। बहुत आराम से ये इसके अंदर फिट कर पा रहा है। द हॉलो हाफ सिलेंडर विद द रोल्ड अप सिलेंडर सिटिंग इन साइड इट अलाउज द मूवमेंट लाइक अ हिंज। मैंने आपको बताया ये जिस तरीके से मूव कर पा रहा है ये एक हिंज मूवमेंट कहलाता है। ट्राई टू मूव द रोल अप सिलेंडर, हाउ डज इट मूव। जब आप मूव कर पा रहे हैं तो किस टाइप से मूव कर पा रहे हैं, आप ट्राई करें ये एक्टिविटी घर पर, प्लीज़ ट्राई करें। हाउ इज़ दिस मूवमेंट डिफरेंट फ्रॉम दैट वी सॉ विथ आर कंस्ट्रक्टेड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अब आपने बॉल एंड सॉकेट वाला देखा, उसमें क्या होता है, इस तरीके का मूवमेंट होता है,
और इसमें किस तरीके का मूवमेंट हो रहा है? टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो. वी सॉ दिस काइंड ऑफ मूवमेंट्स. अब आप देख पा रहे हैं उस डायग्राम में भी एरो एक आगे जा रहा है, एक एरो पीछे आ रहा है. मतलब सेम पेंसिल आगे जा रही है, पीछे आ रही है, आगे जा रही है, पीछे आ रही है. ये कहलाता है हिंज जॉइंट. मूवमेंट एट द एल्बो इन एक्टिविटी 1.1. अब हमने जो एक्टिविटी जो हमने फर्स्ट एक्टिविटी करी थी, एल्बो को मोड़ना है, आगे ले जाना है, मोड़ना है, आगे ले जाना है. ये हिंज जॉइंट का एग्जांपल है, जिसमें आप सिर्फ अपने शोल्डर्स को ऐसे, अपने एल्बो को ऐसे ले जा पा रहे हैं, ऐसे ले जा. एक गेट की तरह मूवमेंट हो रहा है, गेट खुल रहा है, बंद हो रहा है, खुल रहा है, बंद हो रहा है. आप इसको और नीचे नहीं ले जा सकते, ये पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा. आपकी जो बोन है वो क्रैक हो जाएगी. दिस इज़ नॉट पॉसिबल. सो आप सिर्फ ये मूवमेंट कर पाएंगे. दिस इज़ अ हिंज जॉइंट मूवमेंट. आप नी में भी सेम चीज़, आपके जो घुटना है उसमें भी आप सेम चीज़ कर पाएंगे. आप उसे पीछे कर सकते हैं, लेकिन आप उसे आगे नहीं ला सकते. दैट वी हैव कंस्ट्रक्टेड इन फिगर 8.5. 8.5 में भी हमने सेम चीज़ देखी जो हमने नीचे जॉइंट, हिंज जॉइंट वाला देखा. इन डिफरेंट फ्रॉम द हिंज ऑफ कोर्स, बट इट इलस्ट्रेट्स द डायरेक्शन इन विच अ हिंज अलाउज मूवमेंट. एक स्पेसिफिक एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ही अलाउ कर पाएगा. जैसे हमारा एल्बो है वो इस साइड ही मूव कर पाएगा, वो नीचे नहीं जा सकता. वैसे ही हमारी जो नी है, अगर हमारे पाँव देखा जाए तो ये हमारा पाँव है, और अगर हमारी ये हमारी घुटना है तो हम सिर्फ उसको पीछे मोड़ सकते हैं. हम पाँव को आगे एक एक्सटेंड तक आगे ला सकते हैं, उससे ज़्यादा आप अपने पाँव को आगे नहीं ला पाएंगे. आपकी बोन क्रैक हो जाएगी. द एल्बो हैज़ अ हिंज जॉइंट दैट अलाउज ओनली अ बैक और फ्रो मूवमेंट. कैन यू थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल्स सच जॉइंट्स? जैसे कि हमने एल्बो के बारे में बात करी, लेकिन नी वाला भी सेम चीज़ है, जहाँ पे आप सिर्फ आगे या पीछे मूव कर सकते हैं एक स्पेसिफिक पॉइंट में. उसके ज़्यादा आप उसे अपने लेग को या अपनी एल्बो को मूव नहीं कर पाएंगे. अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फिक्स जॉइंट, जो कि हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे. हैव अ नाइस डे, टेक केयर, थैंक यू.